इंडस्ट्री जो है वो चाइना से शिफ्ट हो रही है इंडिया, 250 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इंडिया में शिफ्ट चाइना कर रहा होगा, मगर पब्लिक वहाँ चाइना नहीं कर रहा, इन्वेस्टर मूव हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स जाहिर बात है वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे पब्लिक ज्यादा है, तो इसलिए वो इंडिया में कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जहाँ पब्लिक ज्यादा होगी वहाँ कहेगा इन्वेस्टर मैंने घुस जाना है वहाँ पर अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर, यह हिसाब है क्या? जाहिर बात है वो रेगिस्तान में तो थोड़ी ना इन्वेस्टर जाए। इंडिया मतलब हमारा अजल से ही दुश्मन है, चाहे वो हमारे साथ जितने मर्जी क्रिकेट बेस पे हमारे साथ वो मिलाप वगैरह कर लें, मगर है तो हमारा दुश्मन ही है बेसिकली। अच्छा। तो अगर उधर ज्यादा तरक्की होगी जाहिर बात है इधर के लोग जेलस ही होंगे। इधर के लोग जेलस होंगे जाहिर बात है, आप नहीं होंगे? किसी की अच्छी कोशिश देखकर उससे जेलस होते हैं या मोटिवेशन हासिल करते हैं? एक जो बंदा जलता है वो फिर पीछे ही रहता है? नहीं, जो जलता है वही आगे जाता है। ये एक लाइन मैंने एक नॉवल में पढ़ी थी ना, इट्स नॉट द करेज टू स्टेप फॉरवर्डिंग, इट्स जस्ट अ जेलसी। साथियों, एक के बाद एक हम देख रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज उठ करके भारत में आ रही हैं, जिससे आने वाले 10-5 सालों में इसका बहुत ही लंबा असर दिखने वाला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं जो है फार्मा इंडस्ट्री, कहीं कोई इंडस्ट्री, कहीं कोई इंडस्ट्री, इन सब से पाकिस्तान जैसे देशों से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, कोई हमारा कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन हमारा जो चाइना जैसे देशों से, जो हमारे यहाँ पे कमेंट भी इस वीडियो में कई लोग कमेंट करते हैं ना, क्यों पाकिस्तानी को दिखा रहे हो, कंपटीशन हमारा चाइना से है, कंपटीशन हमारा इंग्लैंड से है, कंपटीशन हमारा यूरोप से है, अमेरिका से है। देख लीजिए, चाइना से ही कॉम्पिटिशन है हमारा, पाकिस्तानी तो जो जल भुन के राख हो गए वो तो ऑलरेडी खबर में पहुँच गए हैं, चाइना वालों का आप सोचो इसमें क्या हालत होगी, उनकी खुद की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो गई, उनके यहाँ पे इतना कैश क्रंच है, उनके यहाँ से इंडस्ट्रीज उठ उठ के जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं, उनके कट्टर दुश्मन देश इंडिया में आ रहे, तो आप सोचो उनकी क्या हालत होगी इस समय, बेचारों को रात में नींद भी नहीं आ रही होगी, अगले दिन कोई और इंडस्ट्री उठ के घोषणा कर देगा हम भी इंडिया जा रहे हैं। इसी बात है, एग्जाम पे 150 बंदा होगा और एक दूसरी जगह पे 2 बंदे होंगे, वो 150 में से ज्यादा लोग काबिल होंगे। फारग है इंडिया हमसे आगे कैसे हो सकता है, इंडिया नहीं हो सकता हम चाहे, अभी ऐसे हो ही नहीं सकते। जहाँ पे एक जगह एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे जाहिर बात है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, किसी भी आप जगह चले जाएं वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% लोग ही ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक फील्ड ले लेना, हमेशा भी कोई एक फील्ड नहीं काम, आप जापान का आपको पता है फिर वो इतना डेवलप कैसे कर गया, छोटा सा मुल्क, वो छोटा सा मुल्क उनकी मेहनत थी जाहिर बात है। नहीं नहीं नहीं, हम तो उसको कुछ नहीं समझते, सीधी सी बात। तो अच्छा, आप कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम तरक्की की बात करें तो कहाँ से, हाँ तरक्की के हवाले से वो बहुत आगे हमारे, तो फिर आप उनको क्यों कुछ नहीं समझते हैं? हमारी मुस्लिम कंट्रीज बड़े बड़े जो अमेरिका खुद उनको इतना कुछ समझता है, वो डाउट है ना, पिट्ठू है उसका, इसलिए उसको अमेरिका पिट्ठू है उनका, अमेरिका अमेरिका नहीं वो इंडिया पिट्ठू है, इंडिया पिट्ठू है अमेरिका का। जी बिल्कुल है। किस लिहाज से? आपको पता नहीं है, सारा फेवर अमेरिका ही तो उनकी फेवर कर रहा है, हर जगह दुश्मन ही है, मगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो हमसे आगे हैं और कुछ जैसे हम उनसे आगे हैं। चीज़ों में वो आगे हैं हमसे, और हम भी बहुत सी चीज़ों में आगे। फॉर एग्जाम्पल हॉकी है, हॉकी हॉकी पाकिस्तान में नजर आता है अब आपको, कौमी खेल है हमारा, आप देखती नहीं है वो अलग बात है, मगर मैम वो कर रहा है इंडिया के साथ अमेरिका के साथ, क्यों नहीं कर रहा है, कर रहा है, आप बिजनेस तो कर रहा है रूस का, ठीक है ना, रूस का आप सहारा लेना शुरू कर दिया, तो किसने? इंडिया ने। रूस खुद उनके साथ रहना चाहता है सर, लेना चाहता है, लेकिन अभी है नहीं सही तरीके से, देखे ना अभी हो, अगर आप डेवलपमेंट में देखें तो इस तरह इंडिया में भी बहुत ज्यादा बात मशहूर है कि अभी तक लोगों के पास जाने के लिए वॉशरूम नहीं है। मेरे पास नॉलेज ज्यादा नहीं है, मगर एक ज्यादातर अगर हम देखा जाए पाकिस्तान का, उनका कल्चर तो एक ही है ना, जिस तरह के हमें लोग पाकिस्तान में देखने के लिए मिलते हैं उसी तरह के हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल पाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहती हैं, गुर्बत खत्म हो गई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुई है, थोड़ी बहुत अभी भी है, लेकिन बहुत कम हो गई, अभी तक अमेरिका में नहीं खत्म हुई है, तो इंडिया में बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई, कितनी कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गया, 39% क्या बात करें, उनकी एक कंपनी से जितना रेवेन्यू जनरेट होता ना उतनी हमारी टोटल जीडीपी बनती है, ऐसे मतलब के अब वहाँ पे इतनी जितनी आपने शायद बताया इतनी गुर्बत कम नहीं हुई है, गुर्बत वहाँ पे भी है ज़्यादा है, इन दुनिया में 5वें नंबर पे इंडिया है, हर चीज़ के लिहाज से है ना, हाँ तो हर चीज़ के लिहाज से ही आया है ना वो, हर चीज़ के अलग अलग लिहाज से, जैसे कि कोई जजमेंट में आगे है, कोई अपनी डेवलपमेंट में आगे है, आप किस लिहाज से आगे कह रही हैं? जीडीपी नहीं, इंडिया, इंडिया तो खुद दूसरे मुल्कों को पैसा दे रहा है, उनका क्या लेना देना हमसे, क्यों नहीं लेना देना, देखिए ना पाकिस्तान को वो सिर्फ यही चाहता है ना, पाकिस्तान उनके मुकाबले पर खड़ा हुआ है।
पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा हुआ है। किस लिहाज? हर लिहाज से खड़ा हुआ है। आप उनके खेल वगैरह देख लें, आप बस ये देख, नीरज चोपड़ा को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। आप जब आप जानते ही नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं, एथलेटिक्स में आगे नहीं है? उनके स्पोर्ट्स मैन का दुनिया भर में नाम है, जब आपको पता ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं पता। आप कह रही है ना उनके स्पोर्ट्स मैन का दुनिया में नाम है, विराट कोहली का आपने नाम सुना होगा, कितना बड़ा स्पोर्ट्स मैन है, मगर फिर भी उससे ये है कि उसकी उनकी आवाम की वजह से, उनके लोगों की जो फैन फॉलोइंग होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा। वो उनकी आवाम की वजह से फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। अब उनका एक यूट्यूबर है, एक नॉर्मल सा यूट्यूबर, उनका 30 मिलियन लेके बैठा हुआ है। मुझे बात बता, अमेरिका को भी फॉलो किया जाता है, देखिए ना वो अमेरिका, पहले मोदी सारा कुछ अमेरिका के साथ ही करता रहा है, अब देखें थोड़ा सा वो इसकी तरफ माइल हो रहा है, तो फिर इनकी चमकलस तो होगी ना अमेरिका के साथ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वहाँ के लोग गलत हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मगर जहाँ पे हुक्मरान, आप जैसे कह रही हैं अब वो जैसे कश्मीर में लगा हुआ है कर्फ्यू, उसका हाल हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक बात कर सकते हैं आगे, हमें उनका नहीं पता उनके साथ ऊपर क्या गुजर रही है क्या नहीं गुजर रही है। अब जाहिर बात है वो कश्मीर को अपने हक में लेने के लिए, उनकी पब्लिक ज़्यादा है, वो ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम इतनी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी पब्लिक कम है। शुरू से बात है पब्लिक कम है, शुरू से बात है वो हमारे दुश्मन है, वो तो हमें देखें कोई भी दुश्मन है वो किसी यानी कि पाकिस्तान की वो डांग अड़ाएगा, जिस इंडिया की बात करें वो टांग अड़ाएगा, इंडिया की बात करें इंडिया जो है ना वो टांग अड़ाएगा, यहाँ पर हम जाएँगे या जिधर भी जाएँगे वो अपना फायदे के लिए पाकिस्तान को बदनाम करे। तो वहाँ पे आप क्या कहती हैं, गुर्बत खत्म हो गई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुई है, थोड़ी बहुत अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गई। अभी तक अमेरिका में नहीं खत्म हुई है तो इंडिया में बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई। कितनी कम हो गई है? बहुत ज्यादा कम हो गया, 39%। क्या बात करें, उनकी एक कंपनी से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना उतनी हमारी टोटल जीडीपी बनती है। ऐसे मतलब कि अब वहाँ पे इतनी जितनी आपने शायद बताया इतनी गुर्बत कम नहीं हुई है, गुर्बत वहाँ पे भी है ज़्यादा है। मैम बात ये है ना, जो इंडिया है ना वो अपनी आवाम के फायदे के लिए सारा कुछ करता है। हाँ। क्योंकि देखे ना पेट्रोल जब अमेरिका उनको महंगा देगा तो वो रूस से उठाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी आवाम को फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे जो हैं ये बड़े बड़े जो बंदे हैं, ठीक है ना, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऊपर आए, क्योंकि देखें अब रूस से हमें कम पेट्रोल मिल रहा था, हम अमेरिका से ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसी वजह से जो इंडिया है ना वो सबसे पहले अपनी आवाम का देखते हैं। मगर आप देख लें अगर वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं तो ज़्यादातर उनके अपने ही लोग होते हैं, अब कोई सपोर्ट करते हैं ना, सपोर्ट, मेरी बात सुने, अब इंडिया हमारे खिलाफ वीडियो बनाएगा, आप उस इंडिया वाले को सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान वाले को सपोर्ट करेंगे? जाहिर बात है इंडिया वाले ज़्यादा लोग हैं, वो इंडिया वालों को सपोर्ट करेंगे। हम खड़े हुए हैं उनके मुकाबले में, अल्लाह का करम है, हाँ, क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए ना किस शोबे में, हर काम में खड़े हुए हैं, ये देखें हमारे इंडस्ट्रीज हैं, हर चीज़ है, लेकिन इंडस्ट्रीज हैं हमारी, अपनी इंडस्ट्रीज है हमारी, क्यों नहीं इंडस्ट्री? कौन सी अपनी है? बड़ा इंडस्ट्री के साथ अपनी इंडस्ट्री कौन सी है? ये देखें टेक्सटाइल है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान से जितनी सपोर्ट मिलेगी क्या वो उतनी सपोर्ट मिल सकती है जितनी इंडिया वालों ने अपने लोगों से ली थी पाकिस्तान को हिट देने में? ये अब हुकूमत आए इमरान खान की तो ये सारा काम सीधा हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगी मैम, ये आप क्या कह रहे हैं, ख़त्म होने पे हैं यहाँ पे, अगर हम इंडस्ट्री हमारी ख़त्म होगी तो हम तो काम ही नहीं कर सकेंगे लोग। क्यों भारत में चाइना से उठ कर एक के बाद एक अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, हमने देखा चाहे वो एप्पल की फैक्ट्री आई हो, चाहे टेस्ला फैक्ट्री आ रही हो, अब 250 बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री आ रही है, तो साफ तौर पर आप ये समझ लो 250 बिलियन का चाइना को खुला नुकसान है। उसके बाद इंडिया को खुले तौर पर 250 का फायदा है, और सिर्फ 250 नहीं, अगर उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा होता हुआ हमें नज़र आने वाला है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाओ, विदेश से ये जो निवेशक है ये 2008 में भी आ सकते थे, ये 2010 में भी आ सकते थे, 2006 में भी आ सकते थे, या हम मान लें उसके पहले भी आ सकते थे, क्यों नहीं आ रहे थे? कुछ तो फ़र्क होगा, क्यों नहीं आ रहा था? क्या भारत में ऐसी क्या कमी हो जा रही थी कि उनको चाइना नज़र आ रहा था, भारत नहीं अच्छा नज़र आ रहा था, और अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो भारत में आ रहे हैं? कहीं ना कहीं अभी भी आप ये मत समझो कि चाइना नीचे जा रहा है इस वजह से भारत में आ रहे हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाइना से उठ कर जिसको जाना हो सबसे पहला उसको ऑप्शन, सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे देश हैं जो खुले यहाँ पे अपने सारे दरवाजे खोल कर खड़े हैं कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ 250 बिलियन, हम बाकायदा दिन रात आपको जो है पूजा पाठ करेंगे, इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है। जापान जैसे देशों में, हम चाहे चले जाएं यूरोपियन कंट्रीज़ में, ज़बरदस्त डिमांड है।
अब तो जो अरब कंट्रीज हैं वो भी इस दौड़ में आ गए, पहले तो नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब तो खास तौर पर सऊदी अरेबिया जैसे देश जिनके पास में ज़मीन है ज़्यादा, वो सब खुले हम दौड़ में आगे आ गए कि हमारे यहाँ पे भी देख लो आप, वहाँ तो हालांकि कोई जाने का सोचता नहीं, मगर उनकी तरफ से भी कई सारे उनको बुलाया जा रहा है। चाइना क्या ऐसे ही जाने दे रहा है? चाइना भी ऐसे ही नहीं जाने दे रहा है। सो ये कारण है, ये कारण है जो ये सब इंडस्ट्रीज उठ उठ के भारत में आ रही हैं। एक तो इससे ना सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट तो जो जनरेट होगी सो होगी, यहाँ पर आप देखो चाइना बना कैसे, चाइना इसी तरह से बना, चाइना में एक कोई आकर के हार्डवेयर की फैक्ट्री लगाता था, एक कोई आकर के मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री लगाता था, यहाँ वाले देख देख के सीख सीख के 20 और लगा लेते थे, हब बन गया। यहाँ पे एक कोई आकर के, कोई कंपनी आकर के फॉर एग्जांपल सेल्फी स्टिक बना रही है चाइना में, वहाँ पे 20 और लोगों ने कर दिया, हब बन गया। मेमोरी कार्ड बन रहे हैं पूरा, वहाँ पे 40 और प्लेयर उसमें आ गए, पूरा पूरा एक हब बन गया, ग्लोबल हब बन गया। वहाँ पर कार बन रही हैं, दो चार और कंपनीज खुल गई, हब बन। इसी तरह से ही आप देखो भारत का जो व्यापारी है, भारत इसमें बहुत तेज़ है। भारत में हालांकि थोड़ा सा शायद सरकार को और सपोर्ट करना पड़े, मगर फिर भी आप देखो भारत में जो मोटा मोटी 30-40 परिवार हैं अमीर अमीर, कोई भी बिजनेस ढंग का दिखता है वो सब में कूद जाएंगे। वो ग्रोसरी भी खोल के वहाँ पे सब्जी बेचेंगे, वो आपका टेलीकॉम सेक्टर में भी घुस जाएंगे, वो आपका क्लीन एनर्जी में भी घुस जाएंगे, वो ग्रीन गैस में भी घुस जाएंगे, वो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट में भी घुस जाएंगे। वो हर जगह पे ही 30-40 परिवार हैं, अपना ट्राई जरूर करते हैं, सफल होते हैं कुछ, कुछ नहीं होते हैं वो अलग बात है, मगर ट्राई ज़रूर करते हैं। तो इसी तरह से ये उभरेंगे, प्लस थोड़े और हमारे यहाँ के लोकल प्लेयर्स उभरेंगे, तो ये सबका असर दिखेगा। इंडिया भी अब सिर्फ एक इंडस्ट्री पर अब डिपेंड नहीं करेगा, जो आ रही है वो तो आ रही है, उसके चक्कर में 20 और भी खुलेंगी, तो इंडिया भी ऐसे ग्लोबल हब बन जाएगा। दुनिया में किसी को भी फार्मा से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर देना होगा, सबसे पहला नाम किसी के दिमाग में आएगा तो वो इंडिया का आएगा। ये फायदे हैं जिसको आने वाले 10-5 सालों में बहुत लंबा असर दिखने वाला है।